एवरीवन, वेलकम टू यो यो किड्स। आज हम अपनी वीडियो में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो डू सम वर्कशीट्स रिलेटेड टू द सेम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। If you see around yourself, there are so many things, right? हम इन सब चीजों को living या non-living thing में categorize कर सकते हैं। It means everything around us is either living or non-living. Very good. Now the question arises, what are living things and what are non-living things? Living things are those which have life. Like human beings, plants, and non-living things are those which do not have life, like apple, ball, or any other things like table, chair, etc. Living things में कुछ characters होते हैं और जो non-living things में नहीं होते हैं। Let's check it. Is it living? अगर कोई चीज हमें दी गई हो, हम उसे कैसे बताएंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए। अगर इन क्वेश्चन के आंसर यस आते हैं, then it is a living thing. And if the answer arises no, then it's a non-living thing. Does it eat? क्या वो चीज खा पाती है, खाना खाती है या नहीं? अगर खाना खाती है तो वो लिविंग है, और अगर खाना नहीं खाती तो वो नॉन लिविंग है। डज इट ग्रो? इट मीन्स अगर वो साइज में ग्रो कर रही है, जैसे कि अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, अ किटन बिकम्स अ कैट, इस तरीके से अगर कोई चीज साइज में बढ़ रही है सो इट्स अ लिविंग थिंग, अगर साइज में नहीं बढ़ रही है तो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। डज इट मूव? If it moves from one place to another by itself, अगर बिना किसी help के वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है तो उसे हम कहेंगे living, या वो कोई movement show कर रही है अपने आप, then it's a living thing, otherwise it's a non-living thing. Like this is a pen, अगर मैं इस pen को यहाँ रख दूँ, क्या ये अपने आप move करेगा? नहीं, it means it is a non-living thing. द लास्ट क्वेश्चन इज, डज इट रिप्रोड्यूस? अगर वो उसके बेबीज होते हैं देन इट इज अ लिविंग थिंग, इफ इट डज नॉट हैव बेबीज देन इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टर्स वी कैटेगराइज द थिंग्स इन टू लिविंग और नॉन लिविंग। नाउ दिस इज अ लिविंग फॉर्म। अगर कोई चीज लिविंग है उससे रिलेटेड ये एक राइम है जो आप बच्चों को पढ़ के सिखा सकते हैं। इट इज लिविंग, आई नो व्हाई, इट ईट्स ब्रीथ्स एंड ग्रोज। देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, इट ईट्स ब्रीथ्स एंड ग्रो, इट ईट्स ब्रीथ्स एंड ग्रोज, इट इज अलाइव, इट इज अलाइव, इट मीन्स इट इज अ लिविंग थिंग। इफ इट कैन ईट, इफ इट कैन ब्रीथ एंड इफ इट कैन grow. Now this is a chart for living things and non-living things. Living things के अंडर तीन चीजें आती हैं, और human beings, animals and plants. All these are considered as living things. Non-living things are of two types, natural or man-made. Natural वो होती हैं जैसे sun, clouds, stars, all these are natural things. And man-made things like furniture, toys, all these are man-made things which are non-living. Now I hope so the concept is clear to all of you. अब हम एक worksheet करते हैं इसी से related. Is it living? अब यहां पर मैंने कुछ चीजें बना दी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इनको क्वेश्चन करना है। अगर क्वेश्चन का आंसर यस है,
इट मींस इट इज लिविंग. अगर क्वेश्चन का आंसर नो है इट मींस इट इज नॉन लिविंग. सो लेट्स चेक इन. फर्स्ट इट इज अ वर्म, इट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट. द क्वेश्चन इज डज इट मूव, क्या ये चल सकता है? यस. डज इट ग्रो? यस. डज इट ब्रीथ? यस. डज इट नीड फूड एंड वॉटर टू सर्वाइव? क्या इसे पानी और खाना चाहिए होता है? यस, इंसेक्ट्स को भी खाना चाहिए होता है. डज इट रिप्रोड्यूस? क्या इसके बेबीज होते हैं? यस. सो इट मींस इट इज अ लिविंग थिंग. नाउ नेक्स्ट इज अ कार. डज इट मूव ऑल बाय इटसेल्फ? क्या आपकी कार अपने आप चलती है? नहीं, या तो हम उसे चलाते हैं या आपकी जो टॉय वाली कार होती है उसे आप रिमोट से चलाते हैं. अपने आप नहीं चलती है. इट मींस इट इज अ नॉन लिविंग थिंग. डज इट मूव? तो आंसर इज नो. डज इट ग्रो? क्या इसका साइज बड़ा होता है? साइज उतने का उतना ही रहता है. नो. डज इट ब्रीथ? नो. डज इट नीड वॉटर एंड फूड? क्या मुझे खाना देते हो कार को अपनी? नो. डज इट रिप्रोड्यूस? नो. सो कार इज अ नॉन लिविंग थिंग. सिमिलरली हेयर आर अदर फ्यू थिंग्स लाइक बॉल. बॉल मूव करती है? नहीं, जब तक आप उसे खेलोगे नहीं तब तक वो अपनी जगह पर ही रहेगी. जब आप उसे किक करोगे तब वो मूव करेगी, अपने आप वो मूव नहीं करेगी. इट मींस इट इज अ नॉन लिविंग थिंग. कैट, कैट अपने आप मूव कर लेती है, ग्रो भी करती है और खाना भी खाती है. इट मींस इट इज अ लिविंग थिंग. नेक्स्ट इज अ ट्री. क्या ट्री मूव करता है? नहीं, मूव नहीं करता. बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं. डज इट ग्रो? ट्री ग्रो करता है? यस, इट ग्रोज. डज इट ब्रीद? जैसे हम भी सांस लेते हैं उसी तरीके से ट्रीज और प्लांट्स ये भी ब्रीद करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. डज इट नीड फूड एंड वॉटर टू सर्वाइव? हम प्लांट्स को पानी देते हैं और ये अपना फूड खुद बनाते हैं, तो इसका मतलब ये फूड खाते भी हैं और पानी भी इन्हें चाहिए होता है. यस. डज इट रिप्रोड्यूस? यस. इट मींस ट्री इज अ लिविंग थिंग. सन, डज इट मूव? मूव वो करता है. यस. डज इट ग्रो? नो. डज इट ब्रीद? नो. डज इट नीड फूड और वॉटर टू सर्वाइव? नो. डज इट रिप्रोड्यूस? नो. इट मींस सन इज अ नॉन लिविंग थिंग. इस तरीके से आप किसी भी थिंग को इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर सोचेंगे तो आप बता सकते हो कि ये लिविंग थिंग में होंगी या नॉन लिविंग थिंग में. नाउ वी हैव दिस नेक्स्ट वर्कशीट, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. राइट LT इफ द पिक्चर इज लिविंग थिंग्स एंड NLT फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ लेट्स चेक इट वन बाय वन. साइकिल, क्या साइकिल ग्रो करती है? नहीं. So it's a non-living thing. So we'll write NLT here. Fish, fish grow करती है? Yes. Move करती है? Yes. It means it is a living thing. We will write LT. Now it's a boy. Boy is a living thing because it can grow, it can eat, drink and move. So it means it is a living thing. Flower, flower is a living thing. Car, car is a non-living thing. Cupcake is a non-living thing. इसी तरीके से आप सारी चीजों को कैटेगराइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे LT और NLT. नेक्स्ट वर्कशीट, Is it living or non-living? Read the words in the box below. Think about
whether they are living things or non-living things. Write the words in the proper column. अब यहाँ आपको कुछ words दिख रहे हैं, अब आप ये words बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो उन्हें living में consider करेंगे या non-living में. Like car, car is a living or non-living? It's a non-living thing. तो यहाँ car लिखेंगे. Next is a tree. Tree is a living thing or non-living? Tree is a living thing. Very good. So we'll write it here. Next is goat. Goat is an animal. It is a living thing. Pencil. क्या pencil grow या move करती है अपने आप? नहीं. So it's a non-living thing. इसी तरीके से आप ये सारी चीजें बच्चों से पूछेंगे और वो उन्हें कैटेगराइज करेंगे लिविंग में या नॉन लिविंग में, उसके अकॉर्डिंग वो कॉलम में उसे लिखेंगे. एंड द लास्ट वर्कशीट, लुक एट द गिवन पिक्चर्स, प्लेस देम इन सूटेबल कॉलम. अब यहां पर मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, इन्हें हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग कॉलम में रखेंगे. नाउ लेट्स चेक इट वन बाय वन. नाउ व्हाट इज दिस? This is a girl. Girl is a living thing. So we'll place it here. What is this? Shoes. Very good. Shoes अपने आप grow करते हैं? नहीं. क्या वो अपने आप चलते हैं? नहीं. So it is a non-living thing. ये क्या है बच्चों? Very good. This is a cat. Cat is a living thing. Next we have ice cream. Ice cream is a non-living thing. Horse. Horse is a living thing. Umbrella. Umbrella is a non-living thing. Sun. Sun is a non-living thing. इसी तरीके से हम सारे pictures को living and non-living के according categorize करेंगे. So, this was all about living things and non-living things. I hope you like this video. Do share, like and subscribe our channel. Thank you. Bye-bye.